कैप्टन सरकार ने उस कहावत को सच कर दिखाया है जिसमें कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। गत वर्ष 9 अक्टूबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें एसएससी रमसा आदर्श व मॉडल स्कूलों में काम करने वाले 8,886 अध्यापकों को पक्का करने का वायदा किया गया था। कैबिनेट ने मासिक वेतन लेने वाले प्राइमरी 37,800 तथा अपर प्राइमरी 42,800 अध्यापकों को एकदम से महज 15,300 पर पक्का करने की घोषणा कर दी। इसके बाद अध्यापक जत्थेबंदियों व सरकार के बीच जंग आरंभ हुई। इस जंग में सफलता न मिलते देख शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार तथा शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने यह कहना आरंभ कर दिया कि जो अध्यापक क्लिक करते हुए पक्का होना चाहता है उसे 3 वर्षों के लिए 15,300 वेतन दिया जाएगा और जो उक्त स्कीमों के तहत ही रहना चाहते हैं वे पुराने पे स्केल पर रह सकते हैं। मगर अब पंजाब की समग्र शिक्षा अभियान सोसाइटी के डिप्टी स्टेट प्रोजेक्टर डायरेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन अध्यापकों ने क्लिक नहीं किया है उन प्राइमरी अध्यापकों को 15,000 रुपये और अपर प्राइमरी अध्यापकों को 20,000 रुपये अदा किए जाएंगे। इस आदेश के लिए अध्यापकों में काफी रोष है। आपको बता दें कि वेतन को लेकर उक्त समूह अध्यापकों ने सांझा अध्यापक मोर्चा के नेतृत्व में करीब 56 दिन धरना व भूख हड़ताल भी की थी। यह भूख हड़ताल 7 अक्टूबर को आरम्भ हुई और 1 दिसम्बर को खुद शिक्षा मंत्री ने भूख हड़ताल पर बैठे अध्यापकों को जूस पिलाकर धरना खत्म करवाया था। इस दौरान मंत्री ने वायदा किया था कि सरकार उनकी प्रत्येक मांगों को लागू करेगी मगर सड़कों पर दीपावली दशहरा करवा चौथ सहित अन्य त्योहार मनाने वाले अध्यापकों को कुछ नहीं दिया गया। उल्टा अब ना क्लिक करने वाले अध्यापकों के वेतन में भी बिना बताए कटौती कर दी गई है। इसे सरकार की हार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। सरकार ने यूनियन के 5 अध्यापकों को टर्मिनेट करते हुए अध्यापकों को डराने की कोशिश की लेकिन अभी तक सरकार असफल रही है। शिक्षा सचिव ने संघर्ष करने वाले 5 अध्यापक नेताओं हरदीप सिंह टोडरपुर दीदार सिंह मुदकी हरजीत सिंह जिदा भरत कुमार तथा हरविंदर रखड़ा को टर्मिनेट कर दिया है। एसएससी व रमसा अध्यापक यूनियन बरनाला के प्रेस सचिव पलविंदर सिंह ठीकरीवाल का कहना है कि सरकार की तरफ से वेतन में कटौती को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी इस सोच को बदल दे कि उन्होंने पटियाला वाले धरने को समाप्त कर कोई विजय प्राप्त की है। अब अध्यापक अपने अधिकारों व पूरे वेतन के लिए नया संघर्ष आरम्भ करेंगे। उन्होंने कहा कि अब अध्यापक संघर्ष कमेटी मंच व की तरफ से 27 जनवरी को अमृतसर में शिक्षा मंत्री का घेराव कर मंत्री की नीतियों का जवाब दिया जाएगा। मंत्री ने पटियाला में चल रहे मोर्चे के संघर्ष को समाप्त करवाते समय वायदा किया था कि वेतन कटौती को लेकर उनकी मीटिंग सीएम से करवाएंगे। मंत्री ने अपने वायदे से मुकरते हुए उनकी सीएम से मीटिंग करवाना तो दूर जबरी उनके वेतन पर कैंची चला दी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम शिक्षा फोकस जालंधर।